नमस्कार दोस्तों, अभी अभी ताजा खबर जिस तरह से आ रही है, हमारे देश की सर्वोच्च लीडर चुनी गई हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ये एक पूरे राष्ट्र के लिए गर्व और हर्ष का विषय है, पूरे राष्ट्र के लिए एक बधाई का विषय है कि हमने एक नारी को और एक सशक्त नारी को चुना है एज अ सर्वोच्च लीडर, जो हमारी तीनों सेनाओं की आज कमांडर बनेंगी और हम सबको एक बेहतर भविष्य की तरफ लीड करेंगे। जिस तरह से उनका एक शानदार अनुभव रहा है डेवलपमेंट के क्षेत्र में, उड़ीसा के मयूरभंज इलाके से आती हैं, जो आज भी कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूरी इंडिया से थोड़ा पिछड़ जाता है, लेकिन अपने पर्सनल कैपेबिलिटी के दम पर, अपने पर्सनल एफर्ट्स के दम पर उन्होंने एक के बाद एक जिस तरह से मुकाम हासिल किए हैं, हमारी तमाम नारियों के लिए, हमारे तमाम उन गर्ल्स के लिए जो आज एजुकेशन ले रही हैं, वो एक उच्च प्रेरणा का स्रोत है। सी इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और अपनी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए उन्होंने जिस तरह से अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, उड़ीसा के गवर्नर के तौर पर उनका योगदान अगर हम देखें, अगर हम उनका योगदान देखें झारखंड के गवर्नर के तौर पर, तो वो रियली रियली इंस्पायरिंग रहा है। आज भी हम देख रहे हैं एज अ पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट अगर मैं बात करूं, सो वी आर सीइंग लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट इंडियन वुमेन आर स्टिल फेसिंग एज मदर्स, एज चिल्ड्रन, दे आर फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस, दे आर फेसिंग अब्यूसेस, एंड दे आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन। वी आर कंडक्टिंग लॉट ऑफ रिसर्च ओवर हियर इन लोकल विसिनिटी, जहां हम देख रहे हैं कि औरतें किस तरह से आयरन की कमी की वजह से एनीमिया का शिकार बन रही हैं, मल्टीपल मदरहुड की वजह से आयरन के स्टोर में कमी हो रही है और उन्हें एनीमिया की प्रॉब्लम हो रही है। आज मैं उन तमाम औरतों के तरफ से अपने सर्वोच्च लीडर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देना चाहूंगा। एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनका रोल, उनका दायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनसे मैं छोटे छोटे दो तीन नम्र निवेदन करना चाहूंगा। एक, उन्होंने डिसएडवांटेज महिलाओं के जीवन को बहुत करीब से देखा है एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हुए। मैं अपील करूंगा कि उन तमाम मदर्स के लिए जो शायद थोड़े डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके लिए इंस्पिरेशनल रोल अदा करें और इंश्योर करें, मैं मैडम से अपील करूंगा कि वो एनीमिया के क्षेत्र में कार्यान्वयन है, यानी कि एग्जीक्यूशन है, इसको परफेक्ट बनाने की दिशा में अपना इंस्पायरिंग रोल दें, और इसके साथ साथ अगर संभव हो उनके लिए देश में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो औरतों को इंस्पायर करें। बीइंग अ वुमन हरसेल्फ एंड बीइंग अ वुमन हु इज कमिंग फ्रॉम डिसएडवांटेज कम्युनिटी, सी कैन इंस्पायर द वुमन टू गेट राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑल्सो टू गेट इन टू हेल्थ केयर सिस्टम। वो औरतों को इंस्पायर कर सकती हैं और उनकी बातों का औरतों के ऊपर, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ वुमेन के ऊपर एक जबरदस्त इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उन्होंने उस जीवन को जिया है और आज वो देश की सर्वोच्च लीडर हैं। तो ऐसे में अगर मैडम अपील करेंगे अपने औरतों के, तमाम औरतों के साथ जो उनका एक कनेक्ट बना है, आज पूरी औरतें जो गौरवान्वित फील कर रही हैं, अगर उनके तरफ से एक जबरदस्त संदेश जाता है कि औरतों को अपना ख्याल रखना होगा, बिकॉज एज पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट आई नो दैट मोर देन 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, यानी कि रक्त की अल्पता, यानी कि ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी की कमी हो रही है। ऐसे में जब उन्हें मदर बनना है, ऐसे में जब आज मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है जब वो एनीमिया से सफर करती हैं। तो वैसे में अगर मैडम प्रेसिडेंट इंस्पायर करने के अपने रोल को और भी आगे बढ़ाएं और आज पूरे देश को इंस्पायर करें एनीमिया मुक्त भारत के लिए, जो प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं, तो उनके योगदान को आने वाली पूरी पीढ़ियां याद रखेंगी। तो ये था मैडम मुर्मू से मेरी फर्स्ट अपील। मेरी सेकेंड अपील है कि वो बच्चों के न्यूट्रिशन के फील्ड में जो विमेन की कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए औरतों को इंस्पायर करें कि हमारी औरतें जाने सही फूड क्या है, हेल्दी फूड क्या है, और उस तरह से अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को इंस्पायर करें।
एंड माय पॉइंटेड अपील एंड माय थर्ड अपील इज कि वो इनकरेज करें कि हमारी औरतें ना सिर्फ लिटरेट बने, यानी कि सिर्फ साक्षर ना बने, वो अपने आप को हेल्थ एजुकेट करें। बिकॉज एज अ पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट आई कैन वाउच, WHO ये कहती है कि एक विमेन अगर एजुकेशन लेती है और एक अगर मैन एजुकेशन लेता है तो मर्दों के मुकाबले विमेन की एजुकेशन से सोशल इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा होता है। सो मैम द्रौपदी मुर्मू जी, आपको एक बार फिर से बधाई और पूरे राष्ट्र को बधाई कि राष्ट्र ने एक बड़ा ही जबरदस्त लीडर चुना है जो विमेन लीडर हैं। पूरे दुनिया में अगर हम देखें तो आज भी 200 के अराउंड कंट्रीज हैं, बट बहुत ही कम कंट्रीज में टॉप विमेन पोजिशन में टॉप विमेन लीडर हैं। तो ऐसे में पूरे राष्ट्र को बधाई है और मेरी तीन अपील है। एक, एनीमिया के ऊपर इंस्पायर करें कंट्री को, राइट न्यूट्रिशन के बारे में इंस्पायर करें और विमेन की हेल्थ एजुकेशन के ऊपर इंस्पायर करें। ये मेरी आज की अपील है और मैं समझता हूं कि पूरा देश आज मेरे साथ ही अपील कर रहा है। एक बार फिर से पूरे राष्ट्र को कांग्रेचुलेशंस, थैंक्स अ लॉट।